हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों को आज, जैसे कि मैंने बोला था अपने प्रीवियस वीडियोस में, कि आज एक बहुत बड़ी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बैठक हुई और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ मैं। बेसिकली आप सभी को पता है कि आज कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा होनी थी। तो क्या हुआ उस मीटिंग में, मैंने आपको बता चुका हूँ कि मीटिंग हुई है और उसमें आपके लिए कई सारे अपडेट्स भी निकल कर आए हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोज़ को उसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, 4% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की आज घोषणा हो चुकी है। अब लास्ट में जैसे ये मेरा अब इसमें वॉइस कंप्लीट होगी, इसके बाद आप जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी देखेंगे। आप जो ऑफिशियल जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से जानकारी दी गई है, इसके बाद आपको आगे आने वाले दिनों में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ का आपको जो है डीए एरियर्स मिलेगा और अप्रैल मंथ से आपको इसमें ऐड होकर सैलरी और पेंशन में 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलने लगेगा। आप पूरा लाइव वीडियो देखिए आगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए जो डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ, तो डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और दरों का निर्धारण तो आपको पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उसके आधार पर एक स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपये डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। लेकिन 2023-24 क्योंकि इसमें 14 महीने आएंगे, 2 महीने पिछले, अगर जनवरी 2023 से गिने तो फरवरी 2024 तक, इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्चा 2023-24 में आएगा और प्रति वर्ष जो होगा वो 12,815.60 करोड़ रुपए आएगा। अगर इसमें मैं स्प्लिट करके बताऊं तो डियरनेस अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो 6,554.40 करोड़ पर एनएम आएगा और 2023-24 के लिए जो 14 महीने के लिए कहा गया वो 7,646.80 करोड़ रुपया 2023-24 में आएगा। इसी तरह से डियरनेस रिलीफ जो पेंशनर्स के लिए है वो 6,261.20 करोड़ पर एनम आएगा और जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है, जो 14 महीने के लिए, वो 7,304.72 करोड़ रुपया इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो कुल मिलाकर 2023-24 में 14,951.52 करोड़ रुपये